एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप खुश होंगे और आपको हमें अपने घर में खुश रखें, हमेशा आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने लगी थी एक नूडल का जो मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा अगर आपने ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो। ये है सेम यांग वनों का चीज़ फ्लेवर हॉट चिकन नूडल्स। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, ये इसके ऊपर रिट लगी होती है, ये आपने उतारना होता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ न्यू जो पैकेज है, तो मैंने इस्तेमाल किया था, मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये इस तरह ही पैकेजिंग में होता है, ये आपको ओपन करना होता है, इसको ऊपर से इसको काट के आपने इसको वाटर फिल करना हो, गर्म पानी आपने इसमें फिल करना होता है। और 4 मिनट के बाद इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको आपने पानी को गर्म करना है, यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है, वहाँ तक आपने 4 मिनट तक के लिए गर्म पानी में इसको रहने देना है। उसके बाद आप 2 साशे होते हैं, एक तो ये होता है, ये हॉट ये लिक्विड टाइप होता है, ये बहुत स्पाइसी होता है, तो मैंने तो हाफ इसमें डाल था, उसे हाफ दिया था। और एक साशे दूसरा होता है जिसमें पाउडर फॉर्म होता है, वो इसमें चिकन का फ्लेवर होता है बेसिकली। ओके सो बट हम क्योंकि मैं देसी हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आया कि मैं हॉट पानी करूँ इसमें डालूँ, क्योंकि मुझे ये क्योंकि प्लास्टिक है तो मुझे पसंद नहीं आया तरीका, तो मैंने वही देगची में उठाया और पानी भरा, बॉयल किया, जो हम जैसे सिंपल नूडल बनाते हैं उस तरह से बना के फिर ये मैंने बनाया। और इसका ये फाइनल लुक मेरे पास ये आया है। नूडल की शेप कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, मैंने कहा रिव्यू कर देती हूँ। तो ये नूडल की शेप इस तरह से, और टेस्ट इसका अच्छा है। अगर आप सिर्फ जो एक मसाले वो अगर आप ऐड करोगे तो आपको स्पाइसी नहीं लगेगा, स्पाइस सारे इसमें से आता है, ये बहुत स्पाइसी होता है, अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसका फ्लेवर अच्छा था, अगर आपने ट्राई करना है तो आप इनके बहुत सारे दूसरे फ्लेवर्स भी हैं, आप ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको तो इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं, जस्ट ओपन कर लिया है मैंने, ठीक है। और आपने इसको सिंपली यहाँ से ओपन करना होता है, ठीक है। जो साशे की मैं बात कर रही हूँ, नूडल्स आप देख लो, ये एक साशे होता है, ये चिकन फ्लेवर, ठीक है। आपने पूरा ऐड करना होता है, और उसके बाद ये साशे जो मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये 2 साशे होते हैं, उसके अलावा ये नूडल्स हैं इसमें, बस आपने इसमें पानी ऐड करके इसको कवर करना होता है 4 मिनट के लिए, और बस ये 2 साशे देन आपने किसी बाउल में निकाल के देन आपने 2 साशे में ऐड कर देंगे। पर मेरा तरीका तो ये है, मैं आपको ऐसे रिकमेंड करूँगी कि आप डायरेक्ट बॉयल करें देखती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आज का रिव्यू इधर ही ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको खुश रखे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।